लवीना टंडन के क्यूट एंड बेस्ट फ्रेंड से। ये रहती हैं हर वक्त लवीना के साथ। यूमियों टीवी आपको मिला रहा है लवीना के बेस्ट फ्रेंड से, जिनका नाम है ब्लिंग। ब्लिंग लवीना की सिर्फ बेस्ट एंड स्पेशल फ्रेंड नहीं है, बल्कि लवीना की इनमें जान बसती है। और आज अपने सेट पर भी लवीना ब्लिंग को लेकर आ गई है। तो आइए लवीना के पास ही चलते हैं, जो अपने क्यूट दोस्त से मुलाकात करवाने जा रही हैं। हाय, आई एम लवीना टंडन और आप लोगों ने मुझे बहुत सारे शोज में देखा होगा, बट मेरा फेवरेट है जोधा अकबर। सो यस, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं जोधा अकबर की रुकैया बोल रही हूँ। और अभी मैं फिलहाल मुस्कान कर रही हूँ, स्टार भारत पे आता है, और आपकी प्यारी सी मुस्कान की प्यारी सी मासी हूँ मैं, सुजैन। और मैं अपने बहुत ही नॉटी और यूजलेस बेटी के साथ यहाँ पर हूँ, जिससे आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए। हाँ जी, वो थोड़ी सी गंदी हो गई है भाग भाग के, बट यस, दिस इज माय क्यूट डॉटर। इसका नाम है ब्लिंग और ये चिवावा है। चिवावा के लिए एक्चुअली थोड़ी मोटी है, बट मेरी लाड प्यार ने इसे मोटा कर दिया है। बट अभी हमारी बेबी थोड़ी पतली हो रही है कि नहीं? लवीना, ये भी बता दीजिए कि ब्लिंग के रहने से आपके मूड को कितना रिफ्रेशमेंट मिलता है? इसकी तबीयत बीच में खराब हो गई थी काफी। मेरे पास दो डॉगीज है, तो मेरे दूसरे डॉगी ने मस्ती में इसे आंख में मार दिया था, तो काफी प्रॉब्लम हो गई थी। इसका कॉर्निया फट गया था, तो अब तो बहुत अच्छे से हील हो गई है, दैट इज ऑल्सो विदाउट ऑपरेशन। एंड आई वुड रियली वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, बिकॉज मैं शूट में रोज बिजी होती थी एंड मैंने एक दिन भी इसका ख्याल नहीं रखा जितने अच्छे से मेरे फ्रेंड्स ने रखा इसका ख्याल। और आई थिंक बिकॉज ऑफ देम ओनली ये ऑपरेशन से बच गई और सिर्फ आई ड्रॉप से ठीक हो गई। उसे महीना लगा ठीक होने के लिए, बट यस, आई एम ग्लैड दैट शी इज ऑल गुड। तो एक दो हफ्ते से मैं इसे लेकर आ रही हूँ सेट पे, बिकॉज अभी भी वो पूरा रिकवर नहीं हुआ है, सो आई डोंट वांट टू टेक द सेम रिस्क अगेन, क्योंकि मेरा जो दूसरा डॉगी है वो बहुत ही नॉटी है, तो ये फिर इसके साथ मस्ती करेगा तो शायद इसे थोड़ा हर्ट हो सकता है। सो ऑब्वियसली डॉग्स आर अ स्ट्रेस बस्टर, वो चाहे आपके घर पे हो या आपके काम पर हो। और मैं एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लवीना, ब्लिंग के लिए आपकी दीवानगी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत बड़ी डॉग लवर हैं। क्यों? सही कहा ना हमने? आई फर्स्टली आई एम अ एनिमल लवर एंड यस, एंड देन आई एम अ वेरी 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 बिग डॉग लवर, बिकॉज आई थिंक एज ह्यूमंस वी फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर, बट डॉग्स डू अंडरस्टैंड अस। एंड आई थिंक मेरी मॉम भी इतना खुश नहीं होती जब मैं अपने घर आती हूँ जितने मेरे बच्चे खुश होते हैं। तो वो एक सेल्फलेस लव देखकर बहुत अच्छा लगता है। मैं भी सेल्फिश हूँ, बट लाइक सेल्फिश इंसान हूँ, इसीलिए मैं सेल्फलेस लव एक्सपेक्ट करती हूँ। इसलिए मैं बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया डॉग लवर बन जाए। रियली लवीना, हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग एनिमल्स की कोई वैल्यू नहीं करते हैं, आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगी? आपने बहुत ही सही सवाल पूछा मुझसे। मैंने बहुत बड़ी चीज़ सोची हुई है करने के लिए, बट ऑब्वियसली आई नीड फंड्स फॉर दैट, सो आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बिकॉज आई एम श्योर सबकी मजबूरी होती होगी ऐसा कुछ करने के लिए। लेकिन आप अपना बच्चा तो नहीं छोड़ेंगे ना रोड पर? किसी दिन अगर आप अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाए फाइनेंशियली या जो भी वे में, सो ये भी जान है, आप इन्हें भी अपने बच्चे की तरह ही आपको ट्रीट करना चाहिए। एंड इट्स रियली वेरी अनफेयर आप इनको छोड़ देते हो रस्तों पे, बिकॉज ये लोग बात नहीं कर सकते, ये लोग बता नहीं सकते कि इनकी तकलीफ क्या है। एंड हर कोई डॉग लवर नहीं है इस दुनिया में, तो आप तो छोड़ देते हो सोच के कि हाँ वो तो कुत्ता ही है, कुछ ना कुछ खा के अपना पाल लेगा पेट या कुछ ना कुछ कर लेगा, बट ऐसा नहीं होता। दे ऑल्सो हैव इमोशंस एंड इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द डॉग्स एंड अप डाइंग बिकॉज of this reason. So I am really looking forward to opening a old age home for dogs very soon. So let's hope for the best. ब्लिंग के लिए आपका ये प्यार देख हम तो यही कहेंगे कि यूं ही हर कोई करे अपने पेट से इतना ही प्यार, एंड वी विश कि एनिमल्स के लिए ओल्ड एज होम खोलने का आपका सपना सच हो जाए। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।